हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ प्रतीक एंड वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपको हेल्दी और टेस्टी सूप की रेसिपी बताने जा रहा हूं। तो इस वेजिटेबल सूप की रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हमने यहाँ नॉर्मल कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। अब हम तेल को डाल देंगे और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। हरी मिर्च हम स्वाद अनुसार ले लेंगे। अब इन तीनों को अच्छी तरह से पका लेना है। हम यहाँ पर 4 से 5 पोर्शन का सूप बना रहे हैं और अदरक लहसुन को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। हमने यहाँ 1 छोटा प्याज लिया है। प्याज को हम एकदम बारीक काट लेंगे और प्याज को डालने के बाद प्याज को भी हमें हल्का सा पका लेना है। प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और जैसे ही 2 मिनट हो जाए हम इसमें डाल देंगे बीन्स। हमने यहाँ 4 से 5 बीन्स लिया है और बीन्स को भी हम एकदम बारीक काट लेंगे और साथ में हमने ले लिया है 1 छोटा शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी हमें एकदम बारीक काट लेना है। और शिमला मिर्च के बाद हम ले लेंगे गाजर। आप देख सकते हैं कि हमने कितना गाजर लिया है। गाजर को भी हम एकदम बारीक काट लेंगे और इसे भी डाल देंगे। अब तीनों सब्जियों को डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है और इन्हें 2 मिनट पकाने के बाद हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत अनुसार काली मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप काली मिर्च पाउडर ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो आप कम ही डालें। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। आप इसमें 4 से 5 कप भी पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और इसके गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे। गैस का फ्लेम तेज़ करने के बाद हम इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए हम इसका गैस कम कर देंगे। और गैस कम करने के बाद हम ले लेंगे एक बर्तन जिसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच पानी। फिर इन्हें हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें मिलाने के बाद हमें इसे सूप में डाल देना है और हमें इसे सूप में डालते समय इसे लैडल से लगातार चलाते रहना है वरना स्लरी यानी कॉर्नफ्लावर का पानी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सूप का गैस बंद कर देंगे। तो एकदम टेस्टी और हेल्दी सूप की रेसिपी हो गई है तैयार। अब हम इसे गरम गरम सर्व कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।